एस फ्रेंट दिस इज पाहुजा लॉ अकेडमी आई एम सुमेधा महेश्वरी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज डबल ज्योपाड़ी डबल ज्योपाड़ी यानी कि दोहरा जोखिम क्या होता है डबल जियपाडी का मतलब होता है कि नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी एक ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा चुका है पनिश किया जा चुका है या फिर अक्वेट किया जा चुका है उसे दोबारा उसी सेम ऑफेंस के लिए ट्राई या फिर पनिश नहीं किया जा सकता जी हाँ लेट्स अंडरस्टैंड डबल जियो का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर गिवन है इंडियन लॉ में first of all it is given under article 20 clause 2 of the constitution of india yes no person shall be punished tried for the same offence मोर देन वंस जी हाँ जिसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसे किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज़ किया गया है एक अक्यूज पर्सन को उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसे अक्यूज़ किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्राई किया जाएगा एक बार से ज़्यादा ट्राई नहीं किया जा सकता अगर ट्रायल का रिज़ल्ट अक्वेटल होता है देन दैट पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन अगर ट्रायल का रिज़ल्ट पनिशमेंट होता है देन डैट पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड अगेन फॉर दी सेम ऑफेंस

ट्राई uh, किया जा चुका है तब उसे दोबारा ट्राई किया जा सकता है जिसमें आपका चार्ज का फ्रेमिंग बताया जाता है कि अगर पहले किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उसका चार्ज फ्रेम ही नहीं हो पाया था या फिर जब उसे ट्राई किया गया तब ऑफेंस कुछ और था और ट्रायल के मीन वाइल यानी कि ट्रायल की ड्यूरेशन के दौरान दैट एक्ट रिजल्टेड इन अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस फॉर इंस्टेंस एक पर्सन को ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्राई किया जा रहा है दी ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट लेकिन जो विक्टिम है ट्रायल के दौरान उस विक्टिम की डेथ हो जाती है तो वो ऑफेंस ग्रीवियस हर्ट से चेंज होकर के मर्डर का हो जाएगा तो ऐसे कुछ एक सर्कम्स्टांस हैं जिनमें एक पर्सन को ट्राई किया जा सकता है सेम फैक्ट्स के ऊपर बट उसमें क्या हो रहा है एसेंशियली उसमें ऑफेंस का जो नेचर है वो बदल रहा है डिफरेंट ऑफेंस जो है वो पिक्चर में आ रहा है अब बात करते हैं डबल जो पाडी आया कहाँ से है हाउ हैव वी इंक्लूडेड डबल जो पाडी इन आवर इंडियन जस्टिस सिस्टम लैटिन मैक्सिम नीमो डबेट बिस्सारी प्रो ऊना एट एडम कोजा विच मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस विक्सारी मीन्स वेक्सड बिस्ट मीन्स ट्वाइस सो नो पर्सन शेल बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज इसका ये मीनिंग होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर गलत काम के लिए एक्ट के लिए दो बार परेशान नहीं किया जा सकता दैट पर्सन विल बी ट्राइड ओनली एंड ओनली वंस एंड नॉट अगेन जो नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट है डबल ज्यो पार्टी का वो है फ्रेंच कॉन्सेप्ट जी हां ऑथरे फुआ एक्वेट और ऑथरे फुआ कन्विक्ट ये दो कॉन्सेप्ट हैं ये दो फ्रेंच मैक्सिम्स हैं ऑथरे फॉर अक्वेट का मतलब है फॉर्मरली या फिर प्रीवियसली अक्वटेड एंड ऑथरे फॉर कन्विक्ट का मतलब है फॉर्मरली या फिर प्रीवियसली कन्विक्टड ये दो पर्सन हैं जिनका दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए सेम फैक्ट्स के ऊपर ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता सो दिस इज द दानसेप्ट ऑफ डबल ज्यो पार एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जी ओ इज गिवन इन द बोथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन क्रिमिनल लॉज सच एज़ सी आर पी सी थैंक यू फॉर वॉचिंग